नहीं, वो लड़की कितनी अच्छी स्कूटी चला रही है, मुझे भी स्कूटी चलानी सीखनी है। तुम पहले साइकिल चलाना तो सीख लो जिज्ञासा। दी, साइकिल नहीं, मुझे स्कूटी ही सीखनी है। क्या तुम जानते हो, आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, लेकिन यह आज भी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सबसे सस्ता साधन है। आज़ादी के बाद भारत में साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास में बड़ा ही रोचक है। क्या तुम जानती हो, पहले साइकिल कितनी अलग अलग तरीका की आती थी। पहले के साइकिल में पहिए एक समान नहीं होते थे, कभी छोटे पहिए, कभी बड़े पहिए, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से पाए जाते थे। पहले ऐसी भी साइकिल आती थी जिसमें पहिए लकड़ी के बने होते थे। उन साइकिल में चेन भी नहीं होती थी। अब जरा सोचो कि वो लोग वैसी साइकिल कैसे चलाते होंगे। तुम साइकिल के बारे में कितना जानते हो, आओ साइकिल के अलग अलग पुर्जों के नाम बताओ। इन पुर्जों के नाम बताओ। दी, साइकिल में एक ब्रेक होता है जिसे ब्रेक लीवर कहा जाता है, और उससे ब्रेक केबल जुड़ी होती है। वह ब्रेक केबल आगे वाले पहिए से जुड़ी होती है, जो कि आगे वाले पहियों को रोकती है। उसे फ्रंट ब्रेक कहा जाता है। उसके साथ यहाँ पे फ्रंट फॉक होता है, और साइकिल का जो पहिया होता है वो गोल होता है। उसके अंदर बहुत सारी लाइंस होती हैं, वो धारियाँ लाइंस स्पोक कहलाती हैं। और साइकिल के अंदर जो गोला आकार होता है, सर्कल होता है, उसे रिम कहा जाता है, और उसे बाकी को टायर कहा जाता है। उसके साथ साथ साइकिल के ऊपर दो हैंडल्स होते हैं जो कि ब्रेक मारने को काम आते हैं। और ये जो ब्रेक केबल होती है वो एक पीछे की साइड भी होती है, उसको बोलते हैं रियर ब्रेक। साइकिल में चेन डली होती है, पैडल होता है, पैडल हमें साइकिल को आगे चलाने में काम करता है, और चेन से साइकिल आगे चल पाती है। और दोनों पहियों को व्हील या फिर टायर कहा जाता है। और बीच का जो त्रिकोण आकार का फ्रेम है उसे हम फ्रेम कहते हैं। बहुत अच्छी जिज्ञासा, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, लेकिन क्या तुम सोच सकती हो, क्या तुम बता सकती हो कि जो प्रदूषण है उसकी समस्या साइकिल चलाने से कैसे कम की जा सकती है। अगर हम लोग सब साइकिल चलाएंगे तो उससे पर्यावरण पे क्या असर होगा। दी, साइकिल चलाने के लिए किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं है। वो डीजल या फिर पेट्रोल से नहीं चलती है, जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। साइकिल चलाने के लिए हमें अपना श्रम लगाना पड़ता है, और जब भी डीजल और पेट्रोल यूज़ नहीं होंगे तो उसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सभी लोग साइकिल चलाएं और कार, स्कूटी इत्यादि छोड़ दें तो उससे हमारा पर्यावरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। आशा करते हैं इससे आपकी आज की वर्कशीट अच्छे से सॉल्व हो गई होगी, और आपको इसके साथ साथ साइकिल के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।